चरखे से आजादी नहीं आ रही थी, हमने चरखे को नहीं समझा। एक कपड़ा जो मैं खरीद के लाता हूं बाजार से उसको मैं पहनता हूं, उससे मुझे वो मोहब्बत नहीं हो सकती। ठीक वही चीज कि जैसे कि आप बाजार में जाएं और आपने कहा भाई एक किलो में आम दे दीजिए, आपको उस आम से उतनी मोहब्बत नहीं होगी, उस आम से ज्यादा मोहब्बत होगी जिसका पेड़ आप बीज आपने बोया था, जिसको रोज आप पानी देते थे, आप हम इंतजार करते जाते जो फूल आया है पौधे में, उसके बाद जब आम उसके अंदर लगता बौर आने के बाद फिर आप उस आम को काट के खाते। आपने खुद देखा होगा जो आपने बाग में अपनी गार्डन में जो नींबू लगाए हैं, जो पेड़ लगाए हैं, आप उनको जब तोड़िए और खाने में जो मजा आता है, वो खाते का सपना था कि जब मैं अपनी खेत की कपास के बिनौले को कैसे निकाला जाएगा, मैं उससे खादी बुनूंगा, चरखे से उस धागे को उससे बनके धोती आएगी, उस कपड़े को मैं पहनूंगा, उसके अंदर आत्मविश्वास हमारे अंदर आएगा। गांधी उसके लिए लड़ रहे हैं, वो केवल ये नहीं कर रहे अंग्रेजी सत्ता को हटाकर आप भारतीय सत्ता आ जाए, यहां तक की आजादी नहीं। तो उस आत्मविश्वास को जगाने का काम हमारे अंदर से होना था, वो काम खादी कर सकती थी, वो चरखा कर सकता था। जब हम और सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम उस बाजारवाद से दूर हो सकते थे जिसकी आज हम पूरी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो वो जो खादी थी वो हमें आत्मविश्वास देने के लिए थी, वो आजादी देने के लिए। तो इन सवालों से जो हमारे सामने उल्टे टेढ़े रखे गए हैं, सबसे बड़ी चीज है कि जिसके बारे में भी आपको उसका चरित्र तय करना हो, हर चरित्र के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। हम भी अपने घर के विभाजन को नहीं बांट सकते हैं, हमें भी घर में जब एक रसोई से दो रसोई होती है तो हम उसको नहीं रोक पाते हैं। तो पूरे देश का बंटवारा होना था, बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो किसी एक पर उसकी तोहमत लगा देना बहुत गलत चीज है। और सबसे बड़ी चीज यह है, मैं फॉरेन राइटर को पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि जो आजादी के बाद बंटवारे के समय जो पहले आम हुआ उसके लिए ना गांधी जिम्मेदार थे, ना नेहरू जिम्मेदार थे, ना जिन्ना जिम्मेदार थे। उसके पीछे जिम्मेदार वो लोग थे, वो आम लोग थे जो उनके पीछे आंखें बंद करके पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे थे। और आज के देश के कोई हालात है, हम किसी भी तरफ हो लेकिन हम अंधों की तरह उस तरफ दौड़ रहे हो, चाहे मौजूदा सरकार के साथ हो चाहे खिलाफ हो, हम अंधों की तरह दौड़ रहे हैं। आप युवा पीढ़ी है, आपको पहले किताबें पढ़नी चाहिए, आपको अपना इतिहास जानना चाहिए। हमारे सामने इतिहास गलत नहीं रखा गया, हमारे सामने इतिहास रखा ही नहीं गया। हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी यही है कि वो हमें कम से कम किताबें ला के दें, वो छोटी छोटी किताबें जिनको हम पढ़े। सिलेबस नहीं, सिलेबस में इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है वो छोटी छोटी किताबें, जैसे मैंने कहा करुणाए विश्व, सुभाष चंद्र बोस का, खादी क्या गांधी ने कहा, गांधी की बहुत बढ़िया किताब है मेरे सपनों का भारत, उसे पढ़िए, तब आपको लगेगा कि हम केवल क्या देश के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र केवल धर्म से जाति से नहीं बनेगा, ना केवल सरकार से बनेगा, चाहे किसी की सरकार आए,